okay the students of class 5 now you have another very simple very very simple um, topic that you will be uh, it's a rule of grammar that you will be um, asked in your दिस फर्स्ट टाइम एग्जाम एग्जैक्टली कन्जेंकशन्स की डेफिनेशन तो आपको नहीं पूछी जाएंगी मगर है कि कन्जेंगशनस का आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ कन्जेंशन आपको मुख्तलिफ कन्जेंशन यूज़ करने के लिए सेंटेंसेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल्म ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं सो so आपको मैं थोड़े से कॉमन कन्जेंगशनस बताऊँगा ताकि आपके रिपीट हो जाए जेन में और आपको इनशाला क्लियर हो जाए कि ये जो है आप लोग बड़े इजीली फिर ताकि कर सका करें कंजंक्शंस को हम सिंपल से सिंपल तरीन तरीके से कोशिश करेंगे पढ़ने की बड़े आराम आराम से बड़े मज़े मज़े से और आप इसको अगर तसली से सुनेंगे तो इन आपको समझ आ जाएगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए कन्जेंशन कन्जेंगशन वैसे ऐसी चीज़ होती है कि जो आप इस्तेमाल करें तो अच्छा ही होती है इंग्लिश अगर आप कई दफ़ा लोग कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं भी करते मगर है कि जी इट्स बेटर क्योंकि ग्रामेटिकली कंजंक्शंस यूज करने चाहिए सो लेट्स स्टार्ट ओके वट इज़ अ कंजंक्शन पहले तो हम ये देखें ना कंजंक्शन होता क्या है भाई सो कंजेंशन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू कनेक्ट दर्ड्स फ्रेजेज कलाजिज और सेंटेंसेज अभी इन लफ्ज़ों से कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने फ्रेजे क्लाजेज समझे समझेंगे वर्ड्स या सेंटेंसेज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो सकता है ठीक है दे मे अ ना मे नाट बी यूज इन अ स्पीच इनको इस्पीच में यूज कर, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं मगर करें तो अच्छा ग्रामेटिकली ये जो है ना ये आपकी ज़्यादा करेक्ट इंग्लिश होती है कंजंक्शन अगर यूज़ करें ठीक है जी लेट स्टार्ट नाउ ओके कंजंक्शनस की हम पहले तक लिस्ट ले, ले लेते हैं ना कि कंजंक्शन नॉर्मली कॉमनली यूज कन्जंक्शन होते क्या हैं कन्जंक्शन को पहले हम देखते हैं कि होते क्या हैं कन्जंक्शंस फिर हम उनको आस्ता आस्ता इस्तेमाल करके देखते हैं ठीक है ना सी कंजेंशन क्या होते हैं से कंजेंशन कैसे होते हैं एंड एज बिकॉज बट फॉर जस्ट एज और नाइदर नॉर नॉट ओनली सो वेदर और येट ये इस तरह के अल्फाज आपको कंजेंशन कहलाते हैं यानी एंड एज बिकॉज बट फॉर जस्ट एज और दर नार नाट ओनली सो वेदर येट ठीक है कुछ अल्फाज आपकी भी इस लेवल में इस्तेमाल आप शायद ना ही करें मगर यह है कि जस्ट मैंने आपको लिस्ट एक दे दी है कि कंजेंकशनज़ ये होते हैं इनको इस्तेमाल करना होता है कि आपने दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस वगैरह को इस्तेमाल जोड़ने के लिए आप यू मे एंड मे नॉट यूज़ बट इट्स इट्स गुड टू यूज़ कंजंक्शनज बिकॉज इट्स ए गुड ग्रामर अगर आप ग्रामर को अच्छी तरीके से ग्रामर को फॉलो करते हुए करें तो ज़्यादा इंग्लिश होती है आपकी अच्छी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, है और आपकी इंग्लिश जो है बेटर इंग्लिश कहलाएगी सो ट्राई टू मेक यूज ऑफ दीज कंजनज ये जैसे एंड एज बिकॉज बट फॉर जस्ट एज और नीदर नॉर नाट ओनली सो एंड सो वेदर एंड यट ठीक है अब हम इनको मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ ना कि कौन कौन से सेंटेंसिस में इस्तेमाल होते हैं ठीक है फिर हम छोटा सा आपका दो तीन मिनट का टेस्ट लेंगे उसमें आपको गोड भी क्लियर हो जाएगा ठीक है जी ओके हम क्या करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं कि एग्जाम्पल्स एक्षंप, क्या है जी कंजेंशन की वो एग्जाम्पल देखें आप कहते हैं आई ट्राई टू हिट द नेल बट हिट माई थम्ब इन स्टेट यानी आप कहना चाहिए यार मैं अपना जना मारना चाह रहा था कील को हथौड़ी पर मेरी उंगली को लग गई तो आपने बीच में लफ्ज़ का यूज़ कर दिया असल में देखें ये दो जुमले आई ट्राई टू हिट दी नेल हिट बट हिट माई थम्ब इंस्टेड ठीक है तो आपने बीच में बट डाल दिया कहने यार मैं अब कील को क्या नाम है कील ठोकना चाह रहा था मगर मेरे उंगली पे लग गई ठीक है या आप कहते हैं आई हैव टू गोल्ड फिश एंड अ कैट मेरे पास भी दो मेरे एक्वेरियम में मैंने जो रखा हुआ मेरे पास दो गोल्डफिश हैं और एंड अ कैट एंड एंड जो है आपका कंजंक्शन हो गया ठीक है एंड अ कैट ठीक है अब मैंने इनको ना ब्लू भी कर दिया हुआ और हाईलाइट भी कर दिया सो so दैट आपको पता रहेगी कंजंक्शन कैसे यूज हो रहे हैं आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई अपकमिंग ट्री अब ये आई बॉट अ न्यू बैग माई अपकमिंग ट्री दो कमिंग ट्रिप सॉरी दो थे ना इनको आपस में जोड़ दिया हमने फॉर का लफ्ज इस्तेमाल करके अब यू कैन हैव पीच आइसक्रीम और ब्राउनी संडे ठीक है आप कौन आप के, के दो लफ्स इस्तेमाल कर सकते थे यू कैन हैव पीच आइसक्रीम तो बीच में ब्राउन संडी अभी आपने अपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी थी तो आपने बीच में और यूज कर दिया दिस इज द कंजंक्शन ठीक है नीदर द ब्लैक ड्रेस नॉर द ग्रे वन लुक्स राइट ऑन हर या आप ये भी कह सकते हैं ब्लैक एंड ग्रे ड्रेसेस डोंट लुक गुड ऑन हर या आप कहना चाहते हैं यार कोई भी उस पर अच्छा लगता ही नहीं है ना काला या ग्रे तो आप कहते हैं निदर द ब्लैक ड्रेस नॉर द ग्रे वन लुक्स राइट ऑन हर माई डैड ऑलवेज वर्कस हार्ड सो वी कुड अफोर्ड द थिंग्स वी वॉन्टेड देखें ये दो सेंटेंसेस थे माई डैड वर्कड हार्ड एंड वी कुड अफोर्ड थिंग्स वी वॉन्टेड अब इन दोनों जुमलों को हमने एक जुमले में कन्वर्ट कर दिया है ठीक है माई डैड वर्कड हार्ड इसको आप फुल स्टॉप करके ये भी कर सकते थे वी कुड अफोर्ड द थिंग्स वी वॉन्टेड अब इसमें मगर आपने कनेक्शन बना दिया कनेक्ट कर दिया सो so बीच में डाल दिया आपने माई डैड ऑल इज हार्ड सो वी कुड अफोर्ड द थिंग्स वी वॉन्टेड ठीक हो गया ये आपके लिए आसानी होगी ना अब आ गया आई ट्राई वेरी हार्ड इन स्कूल येट आई एम नॉट रिसीविंग गुड ग्रेड अरे मैं स्कूल में मेहनत तो बड़ी कर रहा हूँ पर मेरे आ नहीं रहे ये दो जुमले थे कि आई ट्राई वेरी हार्ड इन स्कूल और आई एम नॉट रिसीविंग गुड ग्रेड्स इन दोनों को आपस में आपने इंटरकनेक्ट करना है तो आपने कह दिया आई ट्राई वेरी हार्ड इन स्कूल येट आई एम नॉट रिसीविंग गुड ग्रेट्स इन दोनों को जुमलों को आपस में कनेक्ट कर दिया कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो गया ठीक हो गया ना जी सो so, बड़ा सिंपल है ना मुश्किल तो नहीं कोई चीज़ आपको लग रही ठीक है ना शाबाश मैं चाहता यही हूँ कि आप लोगों के लिए इतनी आसान हो जाएँ चीज़ें इन शाला आसान हो जाएंगी आप थोड़ा सा मेरा साथ दें आप मेरी वीडियोज़ को ज़रा गौर से सुना करें तो इन श्ला आप लोगों के लिए कोई मुश्किल रहेगा ही नहीं ये आप आस्ता आस्ता सुनते जाएँगे और सारी चीज़ें इनशाला ठीक हो कभी अगर ना ही समझ आई दोबारा रिपीट कर लें फिर भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे भाई अंकल में ये समझ नहीं आए भाई अब मैं हम दोबारा आप कर दें ठीक है अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आपका एग्जाम लेके देखता हूँ मैं कि अच्छा अब आपको समझ आई है, है कि नहीं देखें मिसाल के तौर पर माई ब्रदर लव्स क्रिकेट ही जस्ट ब्रॉट अ बैट डैश ए विकेट होम विद हिम अब इसमें देखिए कंजेंक्शंस जो है ना मैंने द बट और येट एंड इनमें से कौन से कंजंक्शन यूज़ होएगी इसमें हम कहते हैं आंसर का क्या है आंसर इसका ये है जी माय ब्रदर लव्स क्रिकेट ही जस्ट ब्रॉट अ बैट एंड अ विकेट्स एंड विकेट्स होम हिम ठीक है एंड विकेट्स होम विद हिम ठीक हो गया जुबैदा लाइक्स टू स्विम कॉमा डैश शी डज एंजॉय साइकिलिंग अब इसमें हम कौन सा चीज डालेंगे दो जुमले इनको आपस में कनेक्ट कर देना है हम इसमें करेंगे सुबह डजेंट लाइक टू तो स्विम बट शी डॉय साइकिलिंग हमने इस देखें दो जुमलों को इकट्ठा कर दिया ना मजा आ गया देखें कितना अच्छी इंग्लिश बन रही है ठीक है आई वॉन्ट टू गो टू पार्क डैश आई हैव टू गो टू वर्क टू अब इसमें कौन सा होगा कंजंक्शन ये वाला भाई मैंने पार्क जाना है मगर मैंने काम भी करना है तो फिर आपने बीच में जो है ना डाल देंगे आई वॉन्ट टू गो टू पार्क बट आई हैव टू गो टू वर्क टूडे ठीक है जी समझ आ रही है ना गुड बस थोड़ा सा रह गया अभी इनशाला थोड़ा सा और करके फिर उसके बाद आप देखें आप इनशाला आपको कंजंक्शन भी क्लियर हो जाएंगी ओके जी नेक्स्ट अभी सिर्फ दो और एग्जांपल्स करेंगे फिर उसके बाद जो है ना आप लोग आप प्रैक्टिस थोड़ी सी खुद भी करेंगे फिर अगर कोई मसला हुआ तो फिर आप मुझे पूछ भी लेंगे ठीक है जी ओके जी दे प्ले टेनिस डैश दे डू प्ले कार्ड्स अच्छा इसमें देखें वो टेनिस भी नहीं खेलते और वो भी नहीं खेलते तो इसमें कौन सा लफ्ज यू होगा दे डू नॉट प्ले टेनिस नॉर दे प्ले कार्ड्स नॉर दे प्ले कार्ड्स ठीक है नॉर आ गया नॉर वाला जितना इसमें यूज हो गया कौन सा नॉर ठीक हो गया अब आ जाता है आई एम गोइंग आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट डैश आई स्टडी एवरी डे आई एम गेटिंग गुड रिज़ल्ट कौन सा इसमें यूज़ करेंगे इसमें यूज़ करेंगे बिकॉज आई एम गेटिंग गुड रिज़ल्ट बिकॉज आई स्टडी एवरी डे ठीक है जी ओके अभी इनशाला आपका अभी देखें ना बड़ा मज़े का आपका क्लियर हो गया आप इसको एक दो तीन दफ़ा अगर इसको अगर आपको नहीं समझ आए दोबारा देखें वीडियो को दोबारा देखें फिर भी ना समझ आए तो मुझे कहें अगर नहीं समझ आई जी दोबारा हमें समझाएं मैं दोबारा भी करूँगा मगर आपने इसको पढ़ना है और अपने प्रैक्टिस करनी है ख़ुद भी एट योर ओन आपने सेंटेंसेस बनाने और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है ओके अल्लाह हाफिज़ टिल यो नेक्स्ट वीडियो हमारे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें और अपने फ्रेंड्स को बताया करें ताकि उनका भी फायदा हो और हमें भी सवाब मिले